हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे सीढ़ी में फुट लाइट लगाने का सही तरीका क्या होता है, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना होता है और यहाँ पे किस तरह से मेजरमेंट करके आपको लाइट लगाना पड़ता है। इसे सीढ़ी भी कहते हैं, स्टेयर भी कहते हैं, जीना भी कहते हैं। यहाँ पे A to Z कंप्लीट आपको बताया गया है कि किस तरह से मेजरमेंट करेंगे, किन बातों को ध्यान में रखेंगे और किस तरह से लगाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं सही तरीका से सीढ़ी में किस तरह से लाइट लगाए ये फुट लाइट, तो आप इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जैसे कि ये हमारा सीढ़ी है जिसे स्टेयर और जीना भी कहा जाता है, और यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है यानी जो पहला सीढ़ी है हमारा, यहाँ पे आप देखेंगे बोर्ड में दो पाइप है। तो आप सबसे पहले ब्लैक वाले को समझिए, ये ऊपर से हमारा आ रहा है, यहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड है, इसके अंदर हमारा स्विच रहेगा जिससे जब हम ऑन करेंगे तो जो भी हमारा लाइट लगा है वो सब लाइट ऑन हो जाएगा। कहीं से भी एक तो हमें स्विच ऑन ऑफ करने के लिए तो कंट्रोल देना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे सही जगह यही होता है कि यहीं पे स्विच बोर्ड लगाया जाए यानी स्विच लगाया जाए। तो ये ब्लैक वाले पाइप से हमारा इनपुट आ रहा है मेन पावर सप्लाई। उसके बाद यहाँ पे आप जो वाइट वाला देख रहे हैं, यहाँ पे दूसरे पौधान पे आ गया है जो हमारा बॉक्स है, यहाँ पे बैंड लग के हमारा चला आया है। और फिर इसी तरह से आप देखेंगे तो जो है हमारे तीसरे स्टेप पे चला गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट और मैं आपको बतलाना चाहूँगा, जो ये स्टेप है ऊपर वाला स्टेप और नीचे वाला स्टेप, दोनों के सेंटर में मेजरमेंट करके जो बॉक्स है उसे लगाया जाता है, नीचे का भी और ऊपर का भी। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले जो मार्बल है वो लगाया गया है, उसके बाद कटिंग करके यहाँ पे स्विच बोर्ड लगाया गया है। अगर आप इस मार्बल को लगाने से पहले अगर स्विच बोर्ड लगाते हैं, अगर एक्यूरेट नहीं है, अगर प्लस्तर आधा इंच भी अप डाउन होगा ना तो बेहतर नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हाफ कट हमारा मार्बल लगा है, फुल अगर लगता तो फिर फुल के हिसाब से हमें सेंटर मेजरमेंट करके लगाना पड़ता। यहाँ पे इसकी भी चौड़ाई हमें देखनी होती है और इसकी भी चौड़ाई देखनी होती है, दोनों की लंबाई चौड़ाई देख करके सेंटर मेजरमेंट करके लाइट को लगाना होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि कहीं पर अगर सीढ़ी में इस तरह के फुट लाइट हम लगा रहे हैं तो वहाँ पे मार्बल लग जाए जो लगाना है, स्टेप की लंबाई चौड़ाई एक्यूरेट हो जाए, उसके बाद हम दीवार में कटिंग करेंगे और बोर्ड को लगाएंगे। नहीं तो पहले अगर आप लगाते हैं तो ये गारंटी है कि आप 99% देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं आपका बॉक्स जो है सेंटर में नहीं आएगा, इधर उधर चला जाएगा और अच्छा दिखाई नहीं देगा। ये चीज़ मैं क्लियर आपको बता दे रहा हूँ, ये जनरली आपको हर कोई नहीं बताएगा। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो दीवार में प्लास्टर हो गया, उसके बाद कटिंग किया गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है, रियल तरीका, जेन्युइन तरीका यही होता है कि सबसे पहले मार्बल यानी सीढ़ी का जो स्टेप है वो क्लियर हो जाए कि कौन सा कितना लंबा रहेगा, चौड़ा रहेगा, प्रॉपर रहेगा। क्योंकि सीढ़ी जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर और सही स्टेप मिले हर जगह पे, लेकिन कुछ जगह पे मिल जाता है सही स्टेप। तो सही स्टेप मिल जाए तो फिर आपको सेंटर मेजरमेंट करके लगा देना है। तो यहाँ पे उसी हिसाब से हमने यहाँ पे मार्बल लग गया है, उसके बाद हमने कटिंग करके यहाँ पे बोर्ड को लगाया है जिससे हमारा सेंटर है और सही तरह से दिखाई दे रहा है। इसी तरह से यहाँ पे जितना भी हमारा सीढ़ी का स्टेप है सब में हमने लगाया है बॉक्स को एक्यूरेट सेंटर करके, और जो बैंड है एक एक बैंड हमारा लगा है और एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स, दूसरे बॉक्स से तीसरे बॉक्स, सभी स्टेप पर हमारा लूपिंग हो गया है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बतलाना चाहूँगा, बहुत से जगह पे आपको सीढ़ी के इस जगह पे लाइट लगाने के लिए डिमांड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी लगता है। तो यहाँ पे तरीका क्या है, यहाँ पे तरीका ये होता है कि आपके बीच सेंटर में जैसे एक यहाँ लग जाएगा तो इसमें दो बैंड यूज होता है, पाइप का छोटा छोटा टुकड़ा और दो बैंड लगता है। कैसे, वो चीज़ भी हम आपको समझाते हैं यहाँ पे। जैसे एक तो जब हम बोर्ड यहाँ लगाए हैं तो ऊपर आएगा तो एक यहाँ पे हमारा बैंड लग जाएगा इस कॉर्नर पे, फिर यहाँ पे कॉर्नर पे बैंड लगेगा, फिर उसके बाद हमारा बोर्ड लगेगा। तो ऐसा भी डिमांड हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लाइट की अगर साइज़ की बात करें तो ये 3 मॉडलर बॉक्स में हमारा लाइट लगेगा, 2 मॉडलर का भी आता है, 4 मॉडलर का भी हमारा फुट लाइट आता है, ये सब फुट लाइट होता है। अब चलिए हम आपको और जो स्टेप है वो मैं आपको दिखलाऊँ। जैसे हम जब स्टेप से ये सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो एक मुड़ने का ये स्टेप आता है, इस स्टेप में आप देखेंगे तो पूरे स्टेप के बीच में सेंटर में एक हमने लाइट लगाया है और ये 4 मॉडलर का है।
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है तो बीच सेंटर में थोड़ा बड़ा लाइट लगाएंगे तो अच्छा दिखाई देगा। लेकिन इसके बाद फिर जब ऊपर हम चढ़ते हैं उस स्टेप पे आप देखेंगे तो फिर हमने तीन मॉड्यूलर का लगाया हुआ है और बेंड लगा करके एक दूसरे से हम लूप कर दिए हैं, यानी कनेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बॉक्स है इस तरह से लगाया गया है और बिल्कुल सीधा लगाया जाता है, सेंटर मेजरमेंट करके लगाया जाता है। अगर कहीं पे आप लगा रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सीधा बोर्ड होना चाहिए और हर स्टेप के सेंटर में होना चाहिए और एक बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा वॉल पुट्टी वगैरह हो गया है, प्लस्तर वगैरह हो गया है, उसके बाद का हम आपको दिखला रहे हैं ये। तो अब यहाँ पे जो हमारा वायर डालने का समय है कि अब वायर इसके अंदर हम डालेंगे। तो यहाँ पे दो वायर हम ले रहे हैं, एक ब्लैक है एक रेड है। 1 mm का वायर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 1.5 mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पोर्ट लाइट है वो LED है। तो यहाँ पे हम 1.5 mm का वायर लिए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा ये वायर निकल जाएगा, जैसे यहाँ से इस तरह से डालेंगे तो ये वायर यहाँ पे निकल जाएगा। जैसे ये निकल गया, अब इसको हम ऊपर कट कर देते हैं इतना लंबा, जैसे इस पे से कट कर रहे हैं, और नीचे उतना निकाले हैं जितना में हमारा लूपिंग हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक बेंड है और हम हाथ से ही वायर डाल रहे हैं और ये चला जाएगा। अगर प्रॉब्लम करेगा तो इसको रिवर्स खींचते हैं, यानी बैक साइड, और फिर डालते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए वायर हमारा इस साइड निकल गया, क्योंकि लंबा दूरी नहीं है तो ईजिली हमारा निकल जाता है। और वायर को कटिंग करेंगे उतना लंबा जितना में कनेक्शन हो जाए। ये वायर थोड़ा बड़ा है, बैक साइड कर लेते हैं स्विच बोर्ड के, रिवर्स यानी खींच लेते हैं। अब उसके बाद फिर इस वायर में हम टेप लगाएंगे, टेप लगाने के बाद फिर हम वायर को डालेंगे। अगर एक बार में वायर नहीं जाता है तो फिर इसे रिवर्स खींच करके हम थोड़ा वायर को जो मुंह है उसको टेढ़ा करके डालेंगे तो ये फिर हमारा चला जाएगा। नहीं तो आप स्प्रिंग वायर, स्टील वायर डाल सकते हैं, क्योंकि एक बैंड है तो थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या, इजी वे चला जाता है। इसी तरह से जितना हमारा फुट लाइट है सब में दो दो वायर हमारा चला जाएगा, तो इसे लूपिंग कहते हैं, यानी एक स्विच से हमारा टोटल लाइट जलेगा। अगर हम यहाँ पे चाहें तो सेंसर लाइट भी लगा सकते हैं, कनेक्शन करने के लिए कुछ नहीं होता है, सेम होता है कनेक्शन, दो ही वायर आप डाल सकते हैं। ज़्यादा है तो एक बड़ी अर्थ का वायर डाल लीजिए, तीसरे वायर से चौथे वायर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दो ही वायर की ज़रूरत पड़ती है, एक न्यूट्रल एक फेस, ठीक है, किसी भी लाइट के लिए। तो ये हमारे फुट लाइट में दो दो वायर हम सभी बॉक्स में यहाँ पर डाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपको दिखलाते हैं इसके अंदर लाइट जो लगाने वाले हैं। यहाँ पर फाइनली जो वायर हमें डालना था सभी बॉक्स में हमने वायर को डाल दिया है, यानी वायर की वायरिंग हमने कर दिया है। दो वायर है हमारा, एक ब्लैक है एक रेड है। तो इस तरह से वायर को आपको भी डाल लेना है कहीं पे, अगर आप लगा रहे हैं स्टेयर में यानी सीढ़ी में जीना में लाइट, तो इस तरह से वायर को डाल लेना है। अब चलिए हम क्या करते हैं, लाइट लगाते हैं। लाइट जो है हमारा तीन मॉड्यूलर का बॉक्स है, तो तीन मॉड्यूलर का यहाँ पे हमने लाइट लिया हुआ है। अब यहाँ पे जो लाइट है हमारा, इसके अंदर स्क्रू से ये नहीं फिटिंग होगा, इसमें क्लिप आप देख रहे हैं ये है, जिस तरह से पैनल लाइट होता है हमारा उसी तरह से हमारा ये क्लिप में लॉक हो जाएगा। यहाँ पे वायर जो है हमारा दो वायर है। अब यहाँ पे लूपिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे इनपुट है हमारा ब्लैक है तो ये ब्लैक आउटपुट है, रेड हमारा इनपुट है तो यहाँ पे रेड आउटपुट है, और इसे आउटपुट नहीं कहेंगे, लूपिंग कहेंगे, यानी रेड रेड आपस में जोड़ दिए और उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइट का वायर लेते हैं और वायर को जोड़ करके अच्छी तरह से, और उसके बाद इसमें हम टेप लगा देंगे। इसी तरह से हम फिर ब्लैक वाला वायर लेंगे और आपस में जोड़ेंगे और फिर जो हमारा लाइट का वायर है उसको लेंगे और यहाँ पर अच्छी तरह से जोड़ेंगे फुल टाइट और इसमें भी टेप लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा वायर जो वायरिंग है वो लूपिंग भी हो गया और यहाँ पे जो लाइट है उससे कनेक्शन भी हो गया। इसी तरह से और जितना लाइट है उन सब में भी हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह से आप कनेक्शन देख लीजिए, रेड रेड में है, ब्लैक ब्लैक में है, और इसी तरह से जितना हमारा लाइट है सब में हमने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया है A to Z। इसी तरह से आपको कर लेना है, इसमें किसी भी तरह का कनेक्शन में चेंजिंग नहीं है, बस जिस तरह से हम एक लाइट का कनेक्शन करते हैं उसी तरह से है। वायरिंग जो है हमारा लूपिंग है, ये लाइट जो है हमारा बड़ा है क्योंकि चार मॉड्यूलर का बॉक्स है, जहाँ पे दो मॉड्यूलर रहेगा दो मॉड्यूलर, जहाँ पे तीन मॉड्यूलर रहेगा तीन मॉड्यूलर, उसी तरह से आपको लगाना है जो बॉक्स का साइज है। यहाँ पे हमने लगा लिया है, अब इसको क्या करते हैं, जिस तरह से क्लिप किया जाता है उसी तरह से इसे लगा देते हैं। यहाँ पे हमारा लग गया है फाइनली और ये पुट्टी वगैरह हमारा हो गया है, ये जितना हमारा लाइट है आप देख रहे हैं। अब इसमें बस हम स्विच को चालू करेंगे इसके अंदर पावर सप्लाई देने के बाद। तो चलिए हम इसे एक बार लाइट को ऑन करके देखते हैं। तो जैसे कि इसके ऊपर हमारा ये स्विच बोर्ड है, इसमें कनेक्शन कंप्लीट है हमारा, और इसके ऊपर भी जो वायरिंग वगैरह है इस घर का कंप्लीट हो चुका है।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके ऊपर हमारा स्विच बोर्ड है, यहाँ पे स्विच को ऑन कर लेते हैं, चारों स्विच को ऑन कर लेते हैं। अब एक स्विच से हमारा ये है और ये लाइट जो आप देख रहे हैं इस तरह से हमारा जल रहा है। इसकी लाइटिंग भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है और थोड़ा सा ये अभी दिन में यानी डे में है, और अगर मैं आपको नाइट में दिखलाऊंगा तो इसका लुक काफ़ी अलग हो जाएगा। तो ये तो डे का हो गया, अब चलिए हम आपको नाइट में एक बार दिखलाते हैं। जैसे अब आप देखिए ये नाइट का है और इस समय जो इसका कलर जो खुल रहा है उस चीज़ को आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो इस तरह से स्टेयर में जीना में लाइट को लगाया जाता है।